नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने नोकेरा प्रकरण में प्रतिनिधिमंडल से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जघन्य अपराध है। ऐसे में नोकेरा प्रकरण पर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ हर पहलू पर गहनता से जांच कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पीड़ित परिवार की पीड़ा को हम सभी महसूस कर रहे हैं। सभी बच्चियां हमारी बेटी समान हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा, पढ़ाई और भविष्य को लेकर जितनी चिंता समाज का है, उतनी ही हमें भी है। प्रतिनिधि मंडल को बताया कि पुलिस ने अभी तक 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, 8 को डिटेन किया गया है। वार्ता में प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि निष्पक्ष शीघ्र जांच और हर संभव मदद के लिए सहमति बनी। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर करते हुए धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने और बच्चियों को सुरक्षित भविष्य के लिए धरना दिया गया था। प्रशासन ने हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। और कमेटी थी, कल भी हमारे इनके सदस्यों से वार्ता हुई थी और आम सहमति बनी थी। फिर सारे लोगों ने आज चर्चा किया आपस में, फिर हम बैठे और हमारी आम सहमति बन गई है। कुछ उनके डिमांड्स हैं, जैसे बच्चियों के पिताओं को संविदा पे नौकरी दी जाए, उसमें हमारी सहमति। हम भी चाहते हैं कि उनको सहायता मिले, जिससे कि परिवार आर्थिक तौर पे अपने आप निर्भर हो पाए। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि बच्ची के शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें भी सहमति है हमारी। और जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और उसको उस ढंग से पूरा किया जाएगा। और बाकी जो अन्वेषण के बिंदु थे या अन्य बिंदु थे, उस पर भी प्रायोरिटी पे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चियों के लिए कहना था कि बच्चियां जब बालिग हो जाए तो इनको संविदा पे नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उसमें भी हमारा एग्रीमेंट है कि बच्चियां जब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेंगी तो नियमानुसार उस समय इनको प्रायोरिटी देंगे। तो इस संबंध में भी इनसे हम चर्चा हुई है और इन सारी बिंदुओं पर जब सहमति बनी है, उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है कि अपना ये धरना ये उठाएंगे। बाकी चीज़ें आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। वो मैं बता सकता हूँ। SHO और ASI, जो कि ASI इनिशियली अन्वेषण अधिकारी थे, और SHO का जो इन्होंने कहा है कि कंडक्ट वो ठीक नहीं रहा है, तो इस कारण से उनकी जांच कराई जाएगी एडिशनल SPS के अधिकारी से। उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। जो कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा था कि कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी। उनको सस्पेंड किया गया है, उनको लाइन हाजिर किया गया। अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो, वो नहीं बचेगा। और इसका साइंटिफिक अन्वेषण भी करेंगे और मैंने SP महोदय को निर्देश दिया है इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखें, जिससे कि शीघ्र चालान पेश हो कोर्ट में और दोषियों को सजा हो। कोर कमेटी ने एक मांग वो रखी थी कि होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस संबंध में हमारी पूरी चर्चा हुई है और जो भी बिंदु उन्होंने रेज किए हैं उस पर जांच करेंगे। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। यहाँ पे और आप काफी टाइम से इससे जुड़े रहे, तो अभी क्या मानते हैं, आपका सहमत है आप लोग? बिल्कुल निश्चित तौर से सहमत है। हमारे जो सवाल थे, हमारे जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थे वो सबने रखे हैं, उनका मिशन कुछ जवाब मिला है और निष्पक्ष तौर से जांच होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। और हमारी भी ये थी कि कोई निष्पक्ष आदमी इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे होटल का मालिक हो, चाहे कोई दूसरा हो, या जिन अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो है, हमें साहब ने कहा है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उससे भी हम संतुष्ट है और बच्चियों के भविष्य के लिए जो आर्थिक सहयोग की बात थी, उनकी मदद की बात थी, वो है, इनके रहने के लिए मकान की बात थी, उसकी भी व्यवस्था होगी। हम यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के विधायक जी से उनसे मिलकर बात करेंगे और ये कह रहे पॉजिटिव तौर पे हम जो कर सकते हैं उनकी रिहाइश के लिए करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अंदर भी क्लर्क साहब ने कहा है कि हमारा जो उसमें सीटें रखी हुई है उसमें भी
हम उनको अच्छी तरह से जब तक वो पढ़ेंगी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, पुलिस की तरफ से देरी नहीं हो, पुलिस जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करे। और यही हमारा निवेदन है कि अगर आप इन सवालों पर गंभीरता से दिखाएंगे तो हम कोई अनारकी लोग नहीं हैं, हम हमारे सवालों के लिए, और ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें समाज का सबसे जो कमज़ोर तबका है उसकी कहीं नहीं सुनी जाती, तो हमारा निवेदन यही था। और वो हमें विस्तार से इन्होंने कहा है कि किसी की कोई कहीं नहीं सुने, हम उस पर बात करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं, वही हमारे लड़ाई और वही आंदोलन, हम कहीं किसी भी तौर पे नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ लड़ाई नहीं, हम जो कुछ उनसे हासिल करें वो हासिल हुआ है, और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी इस केस के अंदर तो फिर हम दोबारा लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धरना उठाया जाएगा, अभी धरना उठाया जाएगा। साहब बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और SP साहब हनुमानगढ़, तथा जो इस संघर्ष नुकेरा प्रकरण को लेकर हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उसकी जो कोर कमेटी है, हमारी आपस में आम सहमति बन गई है, और सहमति बनने के बाद में हम अभी धरना उठा रहे हैं। और जो 17 तारीख को हमारा पुलिस के खिलाफ जो रोष था वो हम नहीं करने जा रहे हैं आंदोलन, आज से हम इसको समाप्त कर रहे हैं। सहमति बन गई है तो अब कोई आंदोलन का औचित्य नहीं रह गया है। परिजनों से आपकी बात हो गई है? परिजनों से हमारी सबकी बात हो गई है, परिजन हमारे साथ में है, और हम परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ठीक है।